સાંભળો નાણામંત્રી, વેપારીઓની શું છે અપેક્ષા? સુરતના કાપડ વેપારીઓની બજેટથી ઘણી અપેક્ષા છે. ટેક્સમાં રાહત આપવાની કાપડ ઉદ્યોગકારોની માંગ છે. જીએસટી સ્લેબ અંગે પરિપત્ર કરવા વેપારીઓની માંગ છે. ટેક્સટાઇલ મશીનરી પર ઝીરો ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી 5 વર્ષ સુધી લંબાવાય. ટીટી ડીએસસી ડ્રાફ્ટ યોજના 1 એપ્રિલ 2022 લાગુ થવી જોઈએ. સિલ્ક યાર્ન પર આયાત જકાત 15 થી ઘટાડી 10% કરવાની માંગ છે. સુરત માટે મિત્રા પાર્ક યોજનાની બજેટમાં જાહેરાત થાય. સિન્થેટિક યાર્ન પર કસ્ટમ ડ્યુટી ઘટાડવી જોઈએ. ફિનિશ ફેબ્રિક આયાત સીએફ મૂલ્ય પર આયાત ડ્યુટી વસૂલવામાં આવે છે, જ્યારે તેના પર કેજી ફિક્સ કરીને રિકવરી થવી જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારના બજેટને લઈને કાપડના જે વેપારીઓ છે તેની અનેક આશા અને અપેક્ષા આ બજેટ સાથે જોડાયેલી છે, ત્યારે આપની સાથે કેટલાક જે કાપડના જે વેપારી છે તે જોડાયા છે. તેમની શું આશા અપેક્ષા આ બજેટ સાથે જોડાયેલી છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કરીશું. જી ઇસ બજેટ કો લેકે ક્યા આશા ઓર અપેક્ષા? जो है लेबर है हमारे यहाँ कम से कम 15 लाख लेबर जो काम कर रहे हैं, तो अब हमारे को गारमेंट में जाना है तो उसको स्किल करने के लिए कोई सरकार एक इसकी स्कीम दे कि जो यहाँ पे स्किल लेबर हम उपलब्ध करा सके तो हम गारमेंट में उसमें कन्वर्ट हो सकें. दूसरा जो यहाँ पे जो लेबर रहता है वो बाहर स्टेट के लेबर रहते हैं, उड़ीसा छत्तीसगढ़ हर स्टेट के, बिहार यूपी के, तो अब उनको यहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है. तो हमने एक सरकार से ये कि आवास योजना के लिए भी डिमांड की है कि जो लेबरों को अगर रियायत दर में अगर कुछ स्कीम में अगर उनको आवास मिलेगा तो वो यहाँ पर रहेंगे और वो स्किल करेंगे तो यहाँ का ग्रोथ और बढ़ेगा. और एक हम सरकार से ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई, इतना प्रोडक्शन बढ़ गया, तो डोमेस्टिक में जिस हिसाब से महंगाई की मार पड़ी है तो यहाँ पर प्रोडक्शन का जो खपत है वो कम हुई है. तो हम ये चाह रहे हैं कि सरकार अगर हमारे को एक्सपोर्ट में कुछ अगर फैसिलिटी और एक्सपोर्ट के ऊपर बढ़ावा देने के लिए करती है तो हम एक्सपोर्ट के ऊपर इसमें जा सकते हैं. एग्रीकल्चर के बाद हम बार बार बात कर रहे हैं, कपड़े को आप छूट दीजिए. मेमोरेंडम दिया वित्त मंत्रालय को अभी 1 महीने पहले हमारी संस्था ने. 3 चीज़ें हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी एंड कपड़ा का व्यापार हमारा कैसे बढ़े. इनकम टैक्स की बात करें तो 5 लाख तक की कंप्लीट छूट होनी चाहिए, उसमें 2.5-3 वो कोई पेश नहीं होना चाहिए. ATC की छूट जो 1.5 लाख की वो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में देखा कोरोना के अंदर लोगों के पास बचत थी इसलिए उन्होंने इस अब इंडिया में सभी अपने हिसाब से निकल गए, तो उसको बढ़ाना चाहिए. 1.5 लाख उसको 3 लाख करना चाहिए और लोगों की बचत प्रवृत्ति बढ़ेगी. जीएसटी की अगर बात करने जाएं तो जीएसटी में हम काफी कुछ स्टैंड हो चुके हैं, लेकिन 12% का जो नोटिफिकेशन 2021 में आया वो अभी तक निरस्त नहीं हुआ. वो निरस्त होना चाहिए ताकि लोगों पे एक बर्डन नहीं रहे. जो यहाँ व्यापारी वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, वो गांव में जाते 2-2, 3-3 महीने नहीं आते हैं. अगर उनको सरकार या शेल्टर या कुछ सरकारी आवास की योजना बना करके उन मजदूरों को मकान सस्ते भाव में दे देगी, लोन पे दे देगी, तो वो गांव नहीं जाएंगे. उससे क्या व्यापार डिस्टर्ब नहीं होगा, व्यापार और तरक्की करेगा. और सबसे ज़्यादा जो मेरी डिमांड है इनकम टैक्स के अंदर 5 लाख की छूट जो है उसके अंदर 2.5 लाख की छूट एक है, 5 लाख की है. अगर आपका 5 लाख 1 रुपये इनकम टैक्स प्रॉफिट होता है तो 5 लाख आपको 2.5 लाख की छूट मिलती है. तो ये अन्याय क्यों है व्यापारियों के साथ? इसको पूरा 5 लाख की छूट होनी चाहिए. PPF में मैंने मतलब मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर PPF के ऊपर 8% रेट फिक्स कर देना चाहिए. ऐसा नहीं कि 7% कर दिया, 7-10 कर दिया, 7-20 कर दिया. वो PPF किस लिए करता है? बचत करता है कि मैं बुढ़ापे में जाऊंगा, 15 साल के बाद मेरे पास रुपए काम आएंगे. तो अगर उसमें भी कटौती बटौती होगी तो व्यापारी जो है ना वो मतलब इसको सहन नहीं कर पाएगा. તો અનેક આશા અને અપેક્ષા કાપડના વેપારીઓની જોડાયેલી છે, ખાસ કરીને ટેક્સટાઇલ યુનિવર્સિટી, ટેક્સટાઇલ પાર્ક, આ ઉપરાંત જે કામદારો અહીં રહે છે તેમના માટે આવાસ બનાવવાની પણ અહીં માંગ કરવામાં આવી છે. ત્યારે આગામી જે બજેટ છે તે બજેટમાં આ વેપારીઓની કેટલી માંગો સંતોષાય છે તેના પર શું કોઈની નજર છે? કેમેરામેન દેવાંગ રાણા સાથે ચેતન પટેલ, ઝી મીડિયા, સુરત.